जय हिंद फ्रेंड्स, सिद्धार्थ भैया के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अड्डा 24/7 पर आज जिक्र होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। पिछले कई महीनों से या फिर सालों से एआई की जो डिमांड है, एआई का यूज है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस में, वो बहुत बढ़ चुका है। और देख सकते हैं आप, ये वो वरदान है जो कि अब अभिशाप बन रहा है। एआई के जितने ज्यादा पॉजिटिव फैक्टर हैं, उससे कहीं ज्यादा उसके नेगेटिव फैक्टर भी हैं। और जब हम नेगेटिव फैक्टर की बात करते हैं तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेगेटिव फैक्टर जो हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड, ये मैं किसी उड़ती उड़ती खबर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ये रिसेंटली अभी एक बीबीसी का एक वीडियो भी रिलीज हुआ है, बीबीसी का एक आर्टिकल भी आया है अबाउट चाइल्ड सेक्स पोर्नोग्राफी के ऊपर, कि कैसे जो एआई है, एआई और वीआर किस तरीके से चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रमोट कर रहा है। आइए जानते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल में। और ये लोग जो है, ये लोग कहीं कभी हो सकते हैं, भारत में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, यूएस में, अमेरिका में, आपके बगल वाले घर में, आपके ही घर में भी हो सकते हैं ऐसे लोग जो कि प्रमोट कर रहे हैं, बना रहे हैं ऐसी चीजें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या जानने के लिए है, इससे पहले हम ये आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप हमेशा इंटरनेट, मोबाइल, चैट जीपीटी वगैरह लगे रहते हैं, तो एटलीस्ट आप ये बता सकते हैं कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एलन, जॉन, ब्लाइज एंड डार्टन। कमेंट करके बता दीजिएगा, नहीं पता तो आंसर मैं अपने टेलीग्राम लिंक में दे दूंगा। टेलीग्राम लिंक कहां पर है, कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहां पर आप लोग आ जाइएगा, ठीक है। साथ ही साथ यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, क्योंकि ये जीएस पेपर 3 से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यू नेवर नो, ये ऐसे में भी आ सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो आप ये जो फैक्ट है ना, ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड एआई और वीआर, आप अपने आंसर में भी इसको सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि पर्सनल मेंटरशिप मेरी तरफ से आपको, पहली पर्सनल मेंटरशिप फ्री है, अगर आप कॉलेज में हैं, अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट हैं, या फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो पर्सनल मेंटरशिप फ्री गाइडेंस है मेरी तरफ से। उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा, जहां पर आप अपनी कोई भी, जो भी आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है ना, कि आपको नोट नहीं बनाने आता, रिविजन प्रॉब्लम आ रही है, आपको प्री मेन सीसैट से प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको तैयारी में, चाहे आप कॉलेज में हो या फिर जॉब में हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट में एक फॉर्म दिया है, उस फॉर्म को जरूर फिल करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम जरा अपने इस बात पर आते हैं कि आखिर ये है क्या। रिसेंटली एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जो कि वॉशिंगटन मीडिया ने रिलीज किया है, कि सरप्राइजिंगली, एस्टाउंडिंगली, रियलिस्टिकली भाई, चाइल्ड अब्यूज इमेजेस जो है वो सर्कुलेट हो रही है, जनरेट हो रही है बाई एआई और वीआर। एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वीआर इज वर्चुअल रियलिटी। समझ में आ रहा है, वो जो एप्पल, सैमसंग को जो बड़ा था, तब बड़ा फोन देखता ना, आंख पे लगा दिया जाता है एंड देन गेम चलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एआई जनरेटर्स है ना, एआई जनरेटेड इमेज ऑफ सेक्सुअल अब्यूज आर ऑन द राइज है ना, ये काफी ज्यादा चल रहा है मामला। पीडोफाइल्स आर यूजिंग एआई। पीडोफाइल्स कौन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। पीडोफाइल्स ऐसे घटिया लोग होते हैं जो लोग बच्चों की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं, खास तौर पे अब्यूज करने के लिए, ये वही घटिया लोग होते हैं, उन्हीं को पीडोफाइल्स कहते हैं। और ये पीडोफाइल जो है, ये आप ट्रैफिकिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्फेस करते हैं, ट्रैफिकिंग ऑफ व्हाट, ह्यूमन फ्लैश, ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी, ट्रैफिकिंग ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल्स भी कर सकते हैं, कुछ भी मटेरियल में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वो लोग होते हैं, पीडोफाइल्स आर यूजिंग एआई टू क्रिएट एंड शेयर इमेजेस। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास वो वीआर आ गया, वीआर में एप्स बहुत सारी होंगी, गेम खेलने के लिए, दौड़ने के लिए, भागने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। उसी में एक कोई ऐसा ऐप आ जाएगा जहां पर आप अपना एवेटार बना सकते हैं। एवेटार समझ रहे हैं, आजकल खूब चल रहा है कि मैं अपना एवेटार बनाऊंगा, मेरा बॉडी लाइक कुछ ऐसा एवेटार बनेगा, तो आप अपना एवेटार बना सकते हैं। उसी एवेटार को यूज करके ये पीडोफाइल्स जो है वो ऐसी इमेजेस बनाते हैं जो कि बिल्कुल लुक अलाइक हो, जो कि बिल्कुल आप जैसा ही व्यक्ति वो ऐसे यूज कर सकते हैं कि अंदर वीआर में आप ही हो, बाहर भी आप एकदम रियल, और उससे वो कुछ भी करवा सकते हैं, उससे डांस करवा सकते हैं, उससे पूरे कपड़े खुलवा सकते हैं, उससे कोई काम करवा सकते हैं। सो वर्चुअल रियलिटी में यू जस्ट इमेजिन, कुछ भी हो सकता है। तो ये लोग बच्चों की कुछ इमेजेस के साथ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर
किसी पीडोफाइल ने एक बच्चे को टहलते हुए देख लिया, अब वो आकर्षित हो गया उस बच्चे से, कहीं ना कहीं उस बच्चे की इमेज निकाल ली, वीडियो निकाल ली। अब उस बच्चे की इमेज और वीडियो से भले उसके परिवार वालों को नहीं पता रहेगा, उसको वीआर में लेके आएगा, वीआर में एक एवेटर बनाएगा और इसके खरीदार मार्केट में बहुत हैं। आप सोचिए इस तरीके की अगर जनता अगर बैठ के इन सारी चीजों को बढ़ावा दे रही है, ये बिक क्यों रहा है? क्योंकि लोग इसे खरीद रहे हैं, लोगों की ये डिमांड है। दोनों, चाहे वो महिला हो गए या पुरुष हो गए, बच्चे हो गए या बूढ़े हो गए, ऐसे घटिया घिनौने प्रोडक्ट्स की लोग डिमांड कर रहे हैं मार्केट में, तभी ये पीडोफाइल्स जैसे व्यक्ति एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ये आज से नहीं है, ये लगभग 10-12 साल से चला रहा है। लेकिन अब ये आज इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? इसलिए क्योंकि कुछ पर्दाफाश हुआ है, जैसे कि हमने वॉशिंगटन में बताया, कुछ बीबीसी ने जैसे बताया कि इन्होंने वॉशिंगटन जो मीडिया है उन्होंने एक्सपोज किया है कुछ पीडोफाइल्स को, कुछ कैनेडा में हुआ है, कुछ यूएस में हुआ है, कुछ यूके में हुआ है, इन लोगों ने एक्सपोज किया है। कुछ बड़ी कंपनीज भी हैं जैसे डिस्कॉम, ठीक है, आपको पता ही है डिस्कॉम वन ऑफ द बिगेस्ट टेक कंपनी है, जो कि प्लेटफॉर्म है, शेयर करती है न्यूज मीडिया ये सब, जो बच्चे पबजी वगैरह खेलते हैं ना वो चैट डिस्कॉम में करते हैं, ठीक है। डिस्कॉम ने बेसिकली इसको बैन कर दिया है, AI जनरेटेड चाइल्ड सेक्स अब्यूज मटेरियल और टीन डेटिंग। टीन डेटिंग का भी ऐप बहुत चलता है, उसमें भी बहुत सारी चीजें आती हैं, सेक्स अब्यूज इमेजेस डिस्कॉम ने बैन कर दिया गया है, ठीक है। यहां पर भी AI जनरेटेड, इसको भी रियलिस्टिकली बैन कर दिया गया है, डिस्कॉर्ड ने बैन कर दिया है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, ये इमेज देख रहे हो आप, ये इमेज एक एवेटार है, यू कैन क्रिएट। अब इस लड़की से, इस महिला से आप उस वीआर में आप कुछ भी करवा सकते हैं लैपटॉप के जरिए, ठीक है। और इन्हीं सब चीजों की, इन्हीं सब प्रोफाइल की मार्केट में डिमांड है। अब ये हो सकता है ये जो महिला की शक्ल हो, ये शक्ल किसी रियलिटी में किसी आदमी की हो, और रियलिटी में किसी आदमी या औरत की शक्ल या फिर वीआर में इस एवेटर की शक्ल एकदम मिलती जुलती हो, तो आगे जाके ये हमारे पर्सनल राइट्स पे बहुत बड़ा अटैक हो सकता है। आपको नहीं पता आपकी इमेजेस कहां पे जाके, किस एवेटार में जाके कौन उसका प्लेजर ले रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा साजिश रचा जा रहा है इंसानियत फितरत के खिलाफ, और ये बेसिकली इमोरल है। अगर हम नैतिक भाषा में कहें, एथिकल भाषा में, दिस इज इमोरल एंड अनएथिकल। अब हुआ क्या है, बेसिकली 29 URL पिछले मई 24 से लेके 30 जून तक 29 URL को सस्पेक्ट किया गया है कि ये URL जो है वो AI जनरेटेड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मशीन इमेजिनरी यूज कर रहे हैं। किन्होंने रिपोर्ट किया है? इंटरनेट वॉच फाउंडेशन, बेसिकली इन्होंने रिपोर्ट किया है, वो कंफर्म AI जनरेटेड इमेजेस, ठीक है। ये जो कैटेगरी है वो कुछ ए कैटेगरी और बी कैटेगरी का मटेरियल पब्लिश कर रही है, और ये लोग बेच रहे हैं और लोग खरीद भी रहे हैं इसको। और सबसे डरने वाली बात तो ये है कि इसमें इन्फेंट, बच्चों से लेके तो 1, 2, 3, 4, 5 साल तक के बच्चों की इमेजेस डाली जा रही है इसमें। आप समझ रहे हैं, यंगस्टर तो खैर छोड़िए, पीडोफाइल्स करते ही यही है, जो लोग बच्चों की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं वो लोग ऑब्सेस्ड होते हैं इन सारी चीजों से, और दुनिया खरीदती है, दुनिया देख रही है उसको। तो ध्यान रखिए, अगर आपका बच्चा मोबाइल फोन यूज कर रहा है या फिर आपका बच्चा बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज कर रहा है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, तो आप प्लीज उसका ध्यान रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इन सारी चीजों का अनुमानित शिकार हो सकता है या हो सकती है। इसी बात पे ऋषि सुनक, जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बात कही है कि AI की डिमांड जितनी ज्यादा बढ़ रही है मेगा कंपनीज में, छोटे छोटे बिजनेसेस में, गवर्नमेंट्स में, उसको नजर रखते हुए हम इस पे सिक्योरिटी कंसर्न्स भी लगाएंगे, क्योंकि इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा है। नेगेटिव इंपैक्ट के लिए इन्होंने कहा है कि आने वाले टाइम पे ये एक बहुत बड़ा सेशन करने वाले हैं, एक इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटेड एक्शन मिटिगेट रिस्क ऑफ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जनरेशन। ये आने वाले टाइम पे फर्स्ट ग्लोबल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू बी हेल्ड इन UK इन ऑटम अभी होने वाला है। सो अगेन ये इशू भी बहुत बड़ा होने वाला, तभी इन लोगों ने हाईलाइट किया है। साथ ही में कनाडा में क्या देखा गया, कनाडा में एक पॉलीग्राफ फॉर पीडोफाइल्स कंडक्ट करने के लिए कहा गया। पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है? पॉलीग्राफ टेस्ट ये होता है कि आपके
आपके इमोशंस को, आपके एक्शंस को, आपके जेस्चर्स को टेस्ट किया जाता है और उससे पता चलता है कि भाई आप झूठ बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो। ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। तो इन पीडोफाइल्स का ये टेस्ट होगा ताकि इससे ये पता चलेगा कि भाई लिटरली ये लोग चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। हाउ वर्चुअल रियलिटी इज यूज्ड टू असेस सेक्स ऑफेंडर्स, ठीक है, ये कॉन्ट्रोवर्शियल लैब है, मॉन्ट्रियल में डेवलप हो रहा है वर्चुअल रियलिटी दैट कैन हेल्प बिल्ड अ प्रोफाइल। सो बेसिकली सरकार जो है वो काम कर रही है, सरकार को पता चल गया है कि ऐसे लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में, एआई की दुनिया में, वीआर की दुनिया में और कंप्यूटर साइंस की दुनिया में। तो इन लोगों को रोकने के लिए न सिर्फ अमेरिका की सरकार बल्कि यूके की सरकार और कनाडा की गवर्नमेंट ऑलरेडी काम कर रही है इस पे ताकि ऐसी चीजों को रोका जाए, क्योंकि दिस इज इनह्यूमन। ये किसी के घर के बच्चों के साथ हो सकता है, आज ये है कल शायद भारत में भी आगे और हो ही रहा होगा, है ना। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिनको नहीं पता है वो है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे कंप्यूटर साइंस का ना एक बड़ा शानदार ब्रांच है जिससे इंसानी इंसान की जो मेहनत है ना वो दस गुना आगे बढ़ सकती है अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले टाइम पे कुछ ऐसे एरियाज में जॉब खा सकता है, कुछ ऐसे एरियाज में जॉब को प्रमोट कर सकता है। कंप्यूटर साइंस का इतना बड़ा पार्ट है कि किसी भी काम को आम आदमी के पर्सपेक्टिव में ये 10 गुना ज्यादा तेजी से करता है, चाहे डिजिटल का कोई भी काम हो। आपने सुना होगा अभी चैट जीपीटी से लेकर बार्ड, गूगल बार्ड से लेकर कितनी सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। भारत सरकार भी कई सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट कर रहा है, जहां पर 10 इंसान एक छोटा सा प्रोडक्टिविटी देते हैं वहीं पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर यूज होता है तो 10 इंसान के बराबर काम करता है। तो ये कंपनीज के लिए मुनाफा है, लेकिन इन सारी सिचुएशंस के लिए ये जो अभी चाइल्ड सेक्स अब्यूज मटेरियल्स हो रहा है इनको बड़ी कंपनीज ही रोक सकती हैं, क्योंकि जैसे अमेज़न जैसी कंपनी, गूगल जैसी कंपनी, अगर ये लोग प्रमोट नहीं करेंगे इन सारी चीजों को, अनोइंगली भी प्रमोट हो रहा है, अगर नहीं करते हैं तो शायद इन पे लगाम लगा जा सकती है। कई बार ऐसा होता है कि अमेज़न ने ऐसे चाइल्ड सेक्स अब्यूज मटेरियल को भी डिलीवर किया हुआ है लोगों के घर, तो वो रोकना पड़ेगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो बेसिकली ये एक अब आज की दुनिया में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहां से कहां तक पहुंच गया, सेल्फ ड्राइविंग कार से लेकर टॉयज तक, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जो है वो चैट जीपीटी हो गया, बार्ड हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। अभी आपने न्यूज सुनी होगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे जाके अब AI पावर्ड सेक्स रोबोट बन जाएंगे जो कि रिप्लेस कर सकते हैं आपके स्पाउस को, आपके पार्टनर को। सो ये भी एक चिंता का विषय बन सकता है कि आदमी शादी ही नहीं करेगा, फैमिली जैसे इंस्टीट्यूशन फॉर्म नहीं करेगा। आपकी क्या राय है इस वाले मुद्दे पे कि क्या चाइल्ड पोर्नोग्राफी, AI और VR जैसी चीजों से भारत सरकार को कुछ करना चाहिए, क्या डेटा प्रोटेक्शन बिल में इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, अगर हाँ तो आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही में यहां पर हाँ एक इमेज मैं आपको दिखाता हूं, ये तो खैर आपको पता ही होगा, ये नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप ये बता दीजिएगा कि भाई सिद्धार्थ भैया का हमने वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा और हमें उनका पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम चाहिए, और हमारे जो ये हमारे परिणाम बैच है जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में हिंदी माध्यम का बैच है, और रॉ इंग्लिश और इंग्लिश माध्यम का बैच है, उसमें हमें एनरोल करना है। तो आपको ये, और आपको कोड कौन सा यूज करना है, कोड आपको जय हिंद नाम का कोड है, कोड यूज करना है। जय हिंद आपको नहीं पसंद आ रहा है तो यूपीएससी सीएससी नाम का कोड यूज कर लीजिए, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ में आप लोगों ने शायद हम इंस्टाग्राम, ये इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा, तो इसको आप स्कैन कर सकते हैं, अभी स्कैन कर लीजिए, तुरंत आप इंस्टाग्राम पे हमारे पहुंच जाएंगे जहां पे हम ढेर सारे वीडियोस शेयर करते हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन, फॉर योर बेटरमेंट। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।